खुद को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले पाकिस्तान को कभी ईरान पीट रहा है तो कभी तालिबान। अब मसीहा बनने वाले पाकिस्तान का जबड़ा तालिबान और ईरान ने तोड़ा तो फड़फड़ाते हुए इसी पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने ईरान और तालिबान को धमकी दी। लेकिन पाकिस्तान की धमकी का पाकिस्तान में ही मौजूद आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान ने बकायदा जवाब दिया और कह दिया कि दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान नाम का देश, यानी आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले देश को उसी के आतंकी संगठन ने पूरी तरह से मिटाने की बात कह दी। दरअसल ये है अफगान तालिबान के पंचशीरी कमांडर अब्दुल हमीद खुरासानी, जिसने एक वीडियो जारी किया और पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी। खुरासानी ने कहा कि पाकिस्तान को धरती के नक्शे से मिटा देंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जल्द ही पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। अगर हमारे लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा ने हुक्म दे दिया तो ऐसी जंग छिड़ेगी कि पाकिस्तान नाम का देश धरती से मिट जाएगा। तो ये बयान पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है और ये बयान ये दिखाता है कि पाकिस्तान मुसलमानों का मसीहा नहीं बल्कि एक लुटेरा है जो मुसलमानों को बदनाम कर रहा और दुनिया भर में बेइज्जती भी करवा रहा। क्योंकि अगर पाकिस्तान मसीहा होता तो वो अफगानिस्तान के मुसलमानों को नहीं मरवाता, वो मसीहा होता तो कश्मीर के मुसलमानों पर हमले नहीं करवाता। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद बर्बाद है और दूसरों को भी बर्बाद देखना चाहता है। लेकिन आज हाल देखिए, पाकिस्तान दर दर के ठोकरे खा रहा और ईरान सिर उठाकर दुनिया में चल रहा। यहाँ तक कि भारत की मदद से अफगानिस्तान का पहिया फिर से पटरी पर आने लगा है। लेकिन पाकिस्तान की हालत वही की वही रह गई और इसका सीधा सीधा प्रमाण है असीम मुनीर, जो अपने देश को तरक्की पर ले जाने के बजाय धमकी पर धमकी दिए जा रहे, कभी ईरान को, कभी अफगान को, तो कभी भारत को। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान का इलाज अच्छे से हुआ और जिस तरह से अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है वो ये बताता है कि पाकिस्तान मतलब मिट्टी का ढेला। शायद यही वजह है कि सेना प्रमुख ने कहा कि जब बात सुरक्षा की आती है तो प्रत्येक पाकिस्तानी पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा होने पर अफगानिस्तान भाड़ में जाए। पाकिस्तान ने 50 लाख अफगान लोगों को 50 साल खाना मुहैया कराया, लेकिन अगर हमारे बच्चों की बात आएगी तो जो हमला करेगा हम उनके पीछे जाएंगे और उन्हें मिटा देंगे। खैर, मिट्टी में कौन मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो ये कि पाकिस्तान का नाम बहुत जल्द ही नक्शे से मिट जाएगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।